पक्षी मिलजुल कर कबूतर और कबूतर की ईद मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। चिड़िया भागी भागी तोते के पास आती है। मिठू मिठू जल्दी चलो, आज हम सब मिलकर कबूतर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे, वहाँ जाकर ईद का चांद देखेंगे। चिड़िया, क्या कल कबूतर की ईद है? हाँ मिठू भैया, कबूतर भी तो अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारी दिवाली और होली मनाने आया था, इसलिए हम सब भी कबूतर की ईद की खुशियों में शरीक होंगे। फिर चिड़िया और मिठू कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। उसी जंगल में एक गौरी कौवी और कालू कौवा भी रहते थे, जिन्हें दूसरे पक्षियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जो भी हो जाए, मैं तो इस बार कबूतर को ईद की खुशियाँ मनाने नहीं दूंगी। गौरी, मिठू तोता और चिड़िया भी इस बार कबूतर के साथ मिलकर ईद मना रहे हैं और आज शाम वो सब मिलकर पहाड़ों पर ईद का चांद देखने के लिए जा रहे हैं। मैं भी आज उन्हें ईद का चांद देखने नहीं दूंगी। कालू, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ गौरी? मेरे दोस्त शरारती बादल के पास। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों शरारती बादल के पास चले जाते हैं। शरारती बादल सागर पर सो रहा था। गौरी शरारती बादल को आवाज देती है, शरारती बादल मेरे दोस्त कैसे हो? मैं सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगाया है कौवी? भूल गए हो शरारती बादल, हम आपके दोस्त ही हैं, शैतान कौवे। हम एक काम से आपके पास आए हैं। बोलो बोलो, क्या काम है शैतान कौवे? बादल जी, कल कबूतर की ईद है और आज शाम सब पक्षी मिलकर ईद का चांद देखने पहाड़ों पर जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? यार शरारती बादल, सुनो तो, आप हमारे साथ चलो और जाकर चांद के सामने बैठ जाओ। ऐसे ना दिखेगा चांद और ना मनाएगा कबूतर अपनी ईद। बहुत शैतान हो तुम, मगर बदले में तुम मुझे मीठा मीठा नारियल पानी तो दोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपको ढेर सारा नारियल पानी पीने को दूंगा। फिर शरारती बादल कौवों की बात मान जाता है और उनके साथ चलता है। सब पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत खुश थे। अभी थोड़ी देर में चांद नजर आ जाएगा और कबूतर हम सब एक दूसरे के पंखों पर मेहंदी लगाएंगे। ये क्या, मगर आसमान पर तो बादल आ गया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आसमान साफ था। गौरी कौवी और कालू कौवा भी शरारती बादल को लेकर चांद के सामने पहुंच जाते हैं। कालू देखो तो, कैसे सब पक्षी चांद देखने के लिए जमा हैं। गौरी, शरारती बादल के पीछे छुप जाओ, कहीं वो सब हमें देख ना लें। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ, अगर पक्षियों ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें हमारी शरारत का पता चल जाएगा। चुड़िया बहन, अब हम ईद का चांद कैसे देखेंगे? अगर चांद नजर ना आया तो हम अपनी ईद भी नहीं मना पाएंगे। कबूतर भैया, आप धीरज रखें, थोड़ी देर तक बादल भैया अपने घर चले जाएंगे और आसमान साफ हो जाएगा। वो सब इंतजार करते हैं, मगर बादल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अभी घर से अपनी टेलीस्कोप लेकर आता हूँ, मेरी टेलीस्कोप से हम दूर तक देख सकते हैं। फिर मिठू तोता भागा हुआ घर जाता है और घर से अपनी टेलीस्कोप लेकर आता है। अब तो मैं चांद को देख ही लूंगा। मिठू अपनी टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखता है, उसे चांद तो नजर नहीं आता क्योंकि सामने शरारती बादल था, मगर मिठू को कौवा और कौवी दिख जाते हैं। तो ये सारी शरारत उन कौवों की है
चुड़िया मेरी लाठी दो मुझे, मैं अभी आया। मगर मिठू भैया क्या हुआ? मैं अभी बताता हूँ। मिठू अपनी बड़ी लाठी लेकर बादल की तरफ उड़ता है। शरारती बादल जैसे ही मिठू को लाठी लेकर अपनी तरफ आते देखता है, वो वहाँ से भागता है। कहाँ चले शरारती बादल, कहाँ चले? मिठू लाठी लेकर आ रहा है, भागो भागो। मिठू भी पहुँच जाता है और जाकर कौवों के दो दो लाठियाँ लगाता है। हम शाम से चांद देख रहे हैं, मगर शैतान कौवो तुम यहाँ बादल को चांद के सामने लिए बैठे हो। ना मारो मिठू, और ना मारो, सॉरी गलती हो गई, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बादल चांद के सामने से हटता है, सब पक्षी चांद को देख लेते हैं। कबूतर और कबूतरी चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो सब मिलकर चांद रात मनाते हैं और तरह तरह के भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। चिड़िया और कौवा आज ही उस जंगल में आए थे। अब सबसे पहले उन्हें अपने लिए एक सुरक्षित घोंसला बनाने का काम करना था। कौवा जानता था कि उसे तो घोंसला बनाना आता नहीं है, इसलिए वो चिड़िया से कहता है। चिड़िया बहन, हम इस जंगल में 5 दिन ही तो रुकेंगे, हम ऐसा करते हैं कि अपने लिए एक ही घोंसला बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेंगे और उसमें 2-4 दिन गुजार लेंगे। या कौवे की बात मान लेती है। तो फिर हमें सारा काम जल्दी करना होगा। आप जाइए और सूखे तिनके ले आइए और मैं सूखा घास ले आती हूँ। ऐसे वो दोनों समय जाया किए बिना अपने अपने काम पर लग जाते हैं। नदी के पास चिड़िया को सूखा घास मिल जाता है। चिड़िया सूखा घास इकट्ठा करती है और वापिस होती है। कौवे ने तो कभी आज तक घोंसला नहीं बनाया था और वो चिड़िया से भी ये बात छुपा रहा था, इसलिए कौवा कांटों वाले तिनके ही उठाकर ले आता है। कौवे भैया, क्या आप पागल हो गए हो? ऐसे कांटों में कैसे नींद आएगी हमें? मैंने आपको सूखे और बारीक छोटे तिनके लाने को कहा था। चिड़िया, मेरी दादी ने मुझे घोंसला बनाना सिखाया था, मैं भूल गया। तो फिर अब आप ऐसा करें, पहाड़ों से कपास ले आएं और मैं सूखे तिनके ले आती हूँ। चिड़िया सूखे तिनके और कौवा कपास लेने चला जाता है। पहाड़ों के पास कौवे को कपास के कुछ पौधे मिल जाते हैं, मगर कौवा तो बहुत आलसी था, वो थक चुका था। कपास तो वो इकट्ठी कर लेता है, मगर नरम नरम कपास देखकर उसका दिल करता है कि वो थोड़ी देर सो ले। फिर कौवा कपास को जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर सो जाता है। नरम नरम कपास पर कौवा गहरी नींद सो जाता है। चिड़िया तो कब से सूखे तिनके ले आई थी। चिड़िया काफी देर तक कौवे का इंतजार करती है, मगर कौवा कपास लेकर नहीं आता। ये कालू कौवा कहाँ रह गया? मैं जाकर देखती हूँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फिर चिड़िया कालू कौवे के पीछे जाती है। कालू कौवे को सोया हुआ देखकर चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। उठो कालू, शाम हो गई है और अब तो रात भी होने वाली है और तुम यहाँ सोए हुए हो। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। क्या तुम सूखे तिनके ले आई हो? मैंने पूरा घोंसला भी बना लिया है, बस अब हम अपने घोंसले में नरम नरम कपास बिछा लेंगे ताकि घोंसला नरम रहे। फिर चिड़िया और कौवा कपास लेकर वहाँ से वापिस होते हैं। चिड़िया कपास को घोंसले में बिछाकर एक नरम बिस्तर की तरह बना लेती है। रात भी हो जाती है। जैसे ही घोंसला मुकम्मल बन जाता है तो कालू कौवा उछलकर घोंसले में लेट जाता है। चिड़िया, घोंसला तो बहुत अच्छा बन गया, अब मैं सो जाता हूँ और तुम कल दिन में
सो जाना। मैं कोई पागल नहीं हूँ, दिन में मैं भोजन की खोज करूँगी या नींद पूरी करूँगी। हमारी बात हुई थी, ये घोंसला हम दोनों का है। यही तो कह रहा हूँ, हम दोनों का ही तो है ये घोंसला, मगर रात को मेरा और दिन में तुम्हारा। वो बात ये है कि मुझे किसी दूसरे के साथ नींद नहीं आती, बड़ी समस्या है ये। ऐसा कहते हुए कालू कौवा सो जाता है और चिड़िया बेचारी सारी रात एक पेड़ पर बैठकर गुजारती है। आज की रात भी चिड़िया के लिए लंबी हो गई थी। आखिर रात खत्म हो जाती है और सूरज निकल आता है। चिड़िया को बहुत नींद आ रही थी, वो कौवे को जगाती है। अब तो उठ जाओ काले कौवे, मेरा नींद से बुरा हाल है। कालू उठ जाता है। लो चिड़िया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब सारा दिन घोंसला तुम्हारा। और याद रखना, रात को घोंसले में मैं सोऊंगा। फिर चिड़िया घोंसले में लेटते ही सो जाती है। कौवा सारा दिन खूब सैर करता है, चिड़िया भी शाम के जाग जाती है। आज उस कौवे को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सोचते हुए चिड़िया नदी पर जाती है और वहां से पानी लाकर घोंसले में कपास पर डाल देती है। अब कौवे को पता चलेगा, बहुत चालाक बनता है वो। कौवा भी आ जाता है। हाँ तो चिड़िया, अब रात होने वाली है, अब सोने की मेरी बारी है, निकलो घोंसले से। चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौवा जैसे ही घोंसले में लेटता है, वो सारा गीला हो जाता है और उछलकर घोंसले से बाहर निकल आता है। चिड़िया चिड़िया, ये तो गीला है। फिर चिड़िया हंसते हुए कहती है, कौवे जैसे आपको किसी के साथ घोंसले में नींद नहीं आती, ऐसे ही मैं भी घोंसले में पानी डालकर उसे अच्छे से गीला करके ही सोती हूँ। क्या करें, अपनी अपनी आदत है। प्यारे दोस्तों, चिड़िया की इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। ये सुनकर कौवा सब समझ जाता है कि चिड़िया ने ऐसा क्यों किया है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे।